मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम निकले हैं अपने घर के आसपास का लोकल एरिया को विजिट करने, कुछ ऐसे जगह जो पहले मैं कभी नहीं गया हूँ। आज चलूंगा और आप लोगों को भी वहाँ पे टूर कराऊंगा। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कि मुझे अपनी गाड़ी में भरानी है तेल। भाई कितना आ गया पेट्रोल का, मतलब चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। बस आएगा पेट्रोल का थोड़ी दूर पर, हाईवे पे जैसे चढ़ेगा वहीं पे मिल जाएगा। अब ये हम लोग हाईवे टच कर चुके हैं। अब भाई आ गए हम लोग टोल टैक्स, और अपने टोल टैक्स में क्या ठाट है देखना। हाँ आप देखो टोल टैक्स में कैसे ठाट पे हम लोग निकलते हैं बिना टोल दिए। ये गलत मैसेज नहीं है, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों हम बिना टोल दिए आगे निकले। ये है टोल गेट, लेकिन हम निकलेंगे साइड से। ये देखो भाई साहब ने हमें देखते ही रास्ता खोल दिया और ये हम निकल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ और बिना टोल दिए निकल जाता हूँ। एक्चुअली ये लोकल एरिया का टोल गेट है। यहाँ पे जो लोकल है उनके गाड़ी के नंबर से ही पता चल जाता है कि हाँ ये लोकल है। अरे यार ये पेट्रोल पंप कहाँ चला गया भाई, तुमने कहा आगे मिलेगा आगे मिलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं, आगे मिलना ही है पेट्रोल पंप। इधर ही कहीं पेट्रोल पंप था ना, कहाँ गया यार। ये रहा पेट्रोल पंप भाई। यहाँ पे क्वालिटी पेट्रोल तो मिलता है ना, क्वालिटी पेट्रोल तो मिलता है ना। भाई साहब काफी डर गया, अगर मैंने उनकी तरफ कैमरा करके पूछा तो देखने लगे कि क्या बात है, कहीं वो रिपोर्टिंग ऑपरेटर तो नहीं आ गया ना हमारे पास। नहीं ले रहा है जी, एक्सेप्ट नहीं। क्या बोला भाई, वन सेकंड। तो अब हम निकल चुके हैं गाइस पेट्रोल लेकर के। तो सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो चुका है, हम लोगों ने थोड़ा सा पेट्रोल भरा लिया है। ज्यादा आगे तो नहीं निकल के आगे? नहीं नहीं, सही जा रहे हैं ना, रास्ता तो सही है। सही है। ये देखो यार इसका टायर का सिचुएशन, ये ऐसे कैसे हो गया। तो गाइस एक बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। हुआ ये है कि जहाँ हम लोगों को पहले जाना था वो जगह याद नहीं आ रहा कि वो रास्ता कहाँ से कनेक्ट होता है उस जगह जाने के लिए। पर घबराने वाली बात नहीं है, हम लोगों ने दो जगह सोच करके आए थे कि हम दो जगह को एक्सप्लोर करेंगे। वो दोनों जगह मैं कभी गया नहीं, जबकि मेरे घर के आसपास ही है। तो एक और है जिसको कहा जाता है पद्मा, वो एक्चुअली पद्मा राजा का एक किला है, ठीक है। उस किले के बारे में हम लोग को उतना तो कुछ ज्यादा अच्छे से पता नहीं है, बट आज उसको हम लोग टूर करेंगे, देखते हैं वो कैसा है क्या क्या है। कितना किलोमीटर यहाँ से? ढाई है, वहाँ गेट के पास से ढाई है, ढाई से तीन किलोमीटर के आसपास। कुछ लोग आते हैं अभी भी यहाँ पे, ऐसा कोई ज्यादा लोग का भीड़ नहीं लग जाता है यहाँ पे काफी, क्योंकि लोग यहाँ के जो लोकल्स हैं काफी यहाँ पे आकर के इन जगहों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। धूप काफी ज्यादा है और चेहरे पे काफी ज्यादा आ रहा है। काफी दिनों के बाद थोड़ा मौका मिला है घूमने का, लोगों के साथ थोड़ा निकलने का, टहलने का और कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करने का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन जगहों का। एक सीढ़ी गया है जो ऊपर की ओर जाता है, चलिए देखते हैं क्या रखा हुआ है इन सीढ़ी। ये तो पोपट हो गया भाई, फिर से सीढ़ी तो ब्लॉक है, फिर लोग आएंगे जाएंगे कैसे, क्या इधर से निकलना है। ये देखो इधर गाइस कैसे जाएंगे, चलो बढ़ो आगे। देखिए मेरे दोस्तों किस तरह से कितना मशक्कत के बाद अंदर गया है भाई, जा सकते हैं ना। मुझे इसी तरह से इन दरवाजों से आना पड़ रहा है। मैं खड़ा हूँ, मैं आपको यहाँ से नीचे का नजारा दिखाता हूँ। I'm just jumping in your sun, that's what
सीधा छत पर सीलिंग। ये एक ऐसा जगह है जहाँ से सीढ़ी तो गया है छत, मगर ये सीढ़ी जाने के बाद नीचे कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली एक आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रेक हो चुका है। रीजन क्या रहा हो, या पुराना होने की वजह से, या फिर यहाँ की कुछ लोकल लोगों की बदमाशी की वजह से, जो भी कारण रहा हो, पर ये एक काफ़ी पुराना ऐतिहासिक चीज़ है जिसको डैमेज हुआ या किया गया हो। Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't. काफ़ी ऊपर है दोस्तों सीढ़ियाँ। गाइस इतना चढ़ने पे ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। जाना अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, अभी तो हम उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है हवा महल, हम उस जगह को एक्सप्लोर किए हैं, बट अभी जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है पद्मा किला। चलिए चलते हैं और फिर पद्मा किला को एक्सप्लोर किया जाए। जब हम लोग आए थे यहाँ कोई भी नहीं था, मेरे ख्याल से एक या दो बाइक लगे हुए थे, बट अभी आप जब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से तो आप देखिए यहाँ कितनी भीड़ लगे हुए हैं। बाइक की संख्या बढ़ गई है और साथ ही साथ इंसानों की भी। टाटा बाय बाय। तो अब हम हवा महल का हवा खा के निकल चुके हैं, अब चलते हैं इसका जो ओरिजिनल किला है जिसका नाम पद्मा किला है, पद्मा राजा का किला है सॉरी, देखते हैं उस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको वहाँ का भी टूर देते हैं। थोड़ा शीशा को साफ कर लिया, काफ़ी गंदा लग रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं किले की ओर जहाँ पे पहले राजा रहा करते थे, उनकी रानी रहा करती थी। आइए देखते हैं कैसा है वो किला। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पद्मा किला, अभी देखते हैं यहाँ का कैसा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या है, किस तरह से है, देखते हैं, टूर देते हैं आपको। काफ़ी पुराना किला है गाइस। तो इसमें शीशे की खिड़कियाँ लगी हुई है, जरूर किसी तरह का कोई ऑफिसेस रहा होगा, यहाँ पे बिजली की तार जुड़ी हुई है। ये इसका मेन गेट है। सड़क भी नहीं है यार, यह तो देख सकते हो यार, मतलब अपना दिल दिमाग में कुछ और चल रहा था ये सोच के कि चलो कुछ काफ़ी खूबसूरत सा होगा, बट यार इसकी हालत काफ़ी गंभीर है, काफ़ी नाजुक है। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ हाँ। ये रास्ता घुसने का वाला एंट्रेंस है या कुछ और है? नहीं, तो पोपट हो गया यार, लगा था ये रास्ता होगा बट ये रास्ता ही नहीं, आगे जाकर के एंड है। कुछ लोगों का कहना कि शायद यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ एक चाचा बैठे होंगे जो टिकट देंगे आपको, तब देखते हैं चाचा से मांगते हैं टिकट, कितने पैसे लेंगे, क्या है उनका प्लान, जो सुनते हैं। किधर से है एंट्री? किधर से है एंट्री? किधर से है? नहीं, हवा महल तो हम लोग घूम ली, जो ये किला देख रहे हैं आप बस यही है या फिर कुछ और भी है? बस यही है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है? थोड़ा यहाँ टहल सकते हैं? थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप कहीं और से जा सकते हैं। ये चाचा यहाँ के लिए रहते हैं। आइए चाचा से थोड़ा बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कब से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का देख रेख शायद यही कर रहे हैं। और चाचा यहाँ का देख रेख काफ़ी करते हैं?
अभी भी 10 बजे स्टाफ है। 10 स्टाफ है यहाँ पे, 5 बजे दिन में 5 बजे रात में। अच्छा, तो आप यहाँ पे केयर टेकर, मतलब केयर टेकर क्या है? ये यहाँ के चाचा जो यहाँ का केयर टेकर है और यहाँ का देख रखाव रखते हैं, साफ सफाई यही करते हैं। इनका कहना है कि 10 स्टाफ है यहाँ पे, अब इनकी शिफ्ट ख़त्म होगी, कुछ और लोग आएंगे। काफ़ी बुजुर्ग हैं बेचारे, फिर भी आज के इस एज में भी ये इतनी साफ सफाई यहाँ पे रखे हैं। काफ़ी ये एरिया काफ़ी क्लीन है, बाकी जो हम लोगों को देख के आए उससे तो काफ़ी क्लीन है ये एरिया। यार ये सबसे ज़्यादा अगर खूबसूरत मुझे कुछ लगा तो यहाँ का ये एंट्रेंस देखो। टूट फूट रहा है, गिर रहा है, लेकिन ये काफ़ी पुराना झूमर है या पंखा है, पता नहीं, शायद यह लाइट है। जो उस समय यहाँ पे दिए जलते थे, क्योंकि बिजली तो होती नहीं थी, पीछे पावर हाउस था। सही है, कुछ मैं दिखाता हूँ आपको इन जगहों से कि क्या नज़ारा है अंदर का। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये साफ सफाई और अच्छे से की जाए, और अगर मेंटेन किया जाए दीवारों को, ऊपर की जो एरिया, इन चीज़ों को, प्लस जो पुरानी चीज़ें से इनके पोस्टर्स वगैरह को, और जो यहाँ के जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, अगर उनको अच्छे से ध्यान दिया जाए, अच्छे से मेंटेन किया जाए, तो काफ़ी खूबसूरत है ये वाकई। ठीक है, बाय बाय, टाटा। शायद यहाँ राजा की बैठक लगती होगी और राजा अपना फैसला सुनाया करता होगा, किसने क्या गलत किया, किसने क्या सही किया।